नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना कल रात को सामने आई विरार के मनवेलपाड़ा से, जहां मनवेलपाड़ा में एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पूरी घटना ऐसी है कि विरार के मनवेलपाड़ा में आज अम्बेडकर जयंती होने के उपलक्ष्य में बीती रात को एक जुलूस का आयोजन किया गया था। जुलूस खत्म होने के बाद वहां से लौटते समय उस जुलूस में इस्तेमाल में ली गई एक लोहे की गाड़ी, जिसके ऊपर स्टील का झंडा लगा हुआ था, वो गाड़ी वहां एक ट्रांसफार्मर से टकराई और उस वजह से पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गया। तो तुरंत ही गाड़ी को पकड़े उस लोगों में से दो लोग वहीं जगह पर खत्म हो गए और बाकी चार लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इस घटना की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारी तुरंत ही मौके वारदात पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लिया, आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिए। साथ ही साथ घायलों को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भेजा गया। इस मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में दो लोग की मौत हुई है, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल है। सुनिए क्या कहना है मामले पर पुलिस के आला अधिकारी का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मनवेलपाड़ा से बुद्ध जन समिति उनके कार्यकर्ता वो मिरुक लेके जा रहे थे। उनकी मिरुनुक 10:30 बजे ख़त्म हुई और मिरुनुक ख़त्म होने के बाद में वो जो गाड़ी थी उसके ऊपर एक झंडा लगाया हुआ था। वो गाड़ी लोहे की थी, झंडा भी स्टील का था। तो जो लोग गाड़ी खींच रहे थे तो वो जाते समय ट्रांसफार्मर को वो झंडा लगा और उसमें से करंट उतर कर दो लोग की दुर्दैवी मौत उसमें हो गई और चार लोग जो जख्मी है उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद में उनको कस्तूरबा हॉस्पिटल रवाना कर दिया। उनकी प्रकृति कैसी है? उनकी प्रकृति अभी मेरे सामने ही उनको लेके गया है, तो हालत उनकी कुछ खास नहीं है, पर शायद उनको जल्दी उपचार मिलने के बाद ठीक ठाक हो जाएगा सर। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786